हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली लिविंग फूड एंड डेड फूड से रिलेटेड है। बेसिकली मैं लिविंग फूड के बारे में बात करूंगी, लिविंग फूड का मीनिंग क्या होता है, लिविंग फूड हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड लिविंग फूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बताऊंगी। साथ में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊंगी। डेड फूड के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। डेड फूड बेसिकली प्रोसेस फूड को कहते हैं। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो उसको मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बात करूंगी बेसिकली लिविंग फूड किसे कहते हैं। लिविंग फूड उस फूड को कहते हैं जो डायरेक्टली हमें मदर नेचर से मिलती है, और लिविंग फूड वो फूड होता है जिसके अंदर लाइफ होती है, एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली विदाउट एंजाइम्स हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। एंजाइम्स जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे सेल्स के अंदर होता है, जो सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, साथ साथ सेल्स की ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जितने भी रॉ फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होते हैं, नट्स होते हैं और मीट्स, एग्स, फिश, इन सब चीजों में जो है बहुत अच्छी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको डेड फूड के बारे में बताना चाहूंगी। डेड फूड जिसे कि प्रोसेस फूड भी कहा जाता है, डेड फूड बेसिकली इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। फूड कंपनीज फूड को पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग के टाइम सारे एंजाइम्स रिमूव कर देती है एंड डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और उसको एक लंबे टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सके। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी फ्रूट जूस का। आजकल फ्रूट जूस के जो पैकेट्स होते हैं उसमें ये मेंशन होता है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर, विदाउट फ्लेवरिंग, ये सारी चीजें मेंशन होती है। बट क्या आपको पता है कि पैकेजिंग से पहले इसको एक बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल कर लिया जाता है, जिससे कि इसके सारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप पैकेज फ्रूट जूस ले रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कुछ हेल्दी ड्रिंक लिया है। अब मैं बताना चाहूंगी लिविंग फूड क्यों इम्पोर्टेंट है या हमें रॉ फूड क्यों खाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंजाइम्स के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन है जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। एंजाइम्स जो है हमारे फूड डाइजेशन, मसल्स बिल्डअप, टॉक्सिन्स को बाहर करने के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिविंग फूड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम उसे कुक करते हैं 105 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे, तो उसके सारे एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि एक कुक्ड फूड के अंदर 85% तक न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, सिर्फ हमें 15% ही न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कम न्यूट्रिशन हमें मिल पाता है। आज के टाइम में हम 50% से भी ज्यादा डेड फूड कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में अननेसेसरली फैट स्टोर होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है जो कि प्राइम सोर्स है स्ट्रोक का, डायबिटीज का, कैंसर का एंड अर्थराइटिस का। अब मैं आपको लिविंग फूड एंड डेड फूड के कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। लाइक पोटैटो जो है वो लिविंग फूड में काउंट होगा एंड पोटैटो चिप्स जो है वो डेड फूड में काउंट होगा। इसी तरह जो चिकन है वो लिविंग फूड में काउंट होता है, चिकन नगेट्स जो है वो प्रोसेस फूड में काउंट होता है, और अगर आप ओट्स खाते हैं, ओट्स लिविंग फूड है, बट इंस्टेंट ओट मिल जो है वो प्रोसेस फूड है। आमंड बटर जो है वो लिविंग फूड है, बट न्यूटेला उसका प्रोसेस्ड फॉर्म है। अब मैं आपको लिविंग फूड के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूंगी। वैसे तो काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, बट मैं कुछ सिलेक्टेड बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। पहला है लोडेड विद इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अगर आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड या होल फूड शामिल करते हैं तो इसमें आपको हर तरह के विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ मिल जाता है। सेकेंड है लो इन शुगर। फ्रूट्स एंड वेजीज में नेचुरल शुगर पाया जाता है, जिस जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफी अच्छा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा रॉ फूड खाते हैं तो आपको शुगर की क्रेविंग्स भी बहुत कम होती है, तो ये बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल कम करने में भी हेल्पफुल है। थर्ड वन इज हेल्दी फॉर हार्ट। रॉ फूड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ रॉ फूड के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा हार्ट अच्छे से वर्क कर पाता है।
लेस यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है उसको रिड्यूस करता है, जो कि हार्ट डिजीज होने का मेन फैक्टर है. होल फूड्स आर ऑल्सो गुड फॉर गट माइक्रोबायोम. ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर गुड बैक्टीरिया को इन्हांस करता है. बहुत सारे फूड्स में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि इन हेल्दी बैक्टीरियाज को फर्मेंट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल है. फिफ्थ वन इज गुड फॉर आवर वेट मैनेजमेंट एंड डेंटल हेल्थ. रॉ फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फाइबर से भरा हुआ होता है, जिससे कि हम थोड़ा सा पोर्शन खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फुल फील करते हैं, तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जिससे कि हमारा वेट मैनेज रहता है. इसके साथ साथ जो रॉ फूड होता है उसके अंदर हेल्दी फैट्स, हेल्दी शुगर एंड फाइबर होते हैं, जिससे कि हमारा अननेसेसरी जो वेट है वो नहीं बढ़ता है. और दांतों की हेल्थ के लिए बता देती हूँ, रॉ फूड अगर आप डायरेक्टली लेके खाते हैं तो उससे आप हमारे गम्स भी स्ट्रांग होते हैं, हमारे टीथ स्ट्रांग होता है. साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर हो गया या प्रोसेस्ड ड्रिंक्स हो गए, जैसे कि शुगर एंड सोडा का कॉम्बिनेशन हमारे दांतों के लिए बहुत ही बुरा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इन ड्रिंक्स को और रिफाइंड शुगर वगैरह को कम से कम लीजिए. रॉ फूड के अदर बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैं फटाफट बता देती हूँ. आपको खाने में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं. इसके साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. साथ में हमारे जो है हॉस्पिटल जाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है, बहुत सारे डिजीज होने का खतरा टल जाता है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है. साथ में हम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने लोकल फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजेस परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये जरूर चेक कीजिए कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स तो यूज़ नहीं हुआ उसमें, या हाइब्रिड नहीं हो, ऑर्गेनिक हो, और ये जो वैक्स कोटेड, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए. कोशिश कीजिए फ्रेश और लोकल हो. तो ये कुछ डिटेल्स थी लाइव फूड एंड डेड फूड से रिलेटेड. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा. तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.